नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और मेरा नाम अंकुश है और मेरा चैनल आपका स्वागत है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये वेबसाइट पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नागरिक अनुभाग, इस पर आपको, और इसके नीचे आपको मिलेगा आवेदन की स्थिति देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा थोरो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, इस पर आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन डेट, जिस दिन अप्लाई किए तो उस दिन आपको डेट यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बार कैप्चा रिफ्रेश मारना है। रिफ्रेश मारने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को भरना है, इसके बाद सबमिट कर देना है। इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद सबसे ऊपर में आपको अपना नाम लिखना है इंग्लिश में, फिर पापा का नाम इंग्लिश में, फिर मम्मी का नाम इंग्लिश में। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सब कुछ डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नंबर 4 में कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हाँ, अगर आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।